पे जान, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरों दे बनाना, बना के मिटाना, ये मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो काबों खिलौनों की जागीर अपनी, ये दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत दौलत दे लो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज नहीं आ रही। आप म्यूटेड नहीं है लेकिन आवाज भी नहीं आ रही। भारी आवाज अब आ रही है, हल्की है। तो हमने थोड़ा सा ये पेपर किस कौन मूव कर रहा है? खालिद इकबाल के से आ रहा है। अच्छा, तो जावेद भाई हमने पहले शुरू किया था तो आपका नंबर आ गया है। आवाज ठीक आ रही है? नहीं। हमें आवाज खालिद साहब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। वैसे भाई तो सभी कोई भी फोन में म्यूट कर लेता। खैर अभी वो जावेद भाई सिंग करेंगे तो सभी म्यूट करेंगे। मेरी आवाज आ रही है? हल्की है, जरा थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ाइए। आप ले लें दूसरे को, मैं जरा सेट कर लूं फिर थोड़ा सा। आप नेक्स्ट को अगर है तो ले लें किसी को। ठीक है, तो अगर इजाजत हो तो मैं कुछ पेश करूं। La la la, hey 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 hey, aha. सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बताऊं, शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खत्म, जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता, शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। आवाज
तेरी अदा भी है झोंके वाली, छूके गुजर जाने दे। तेरी लचक है के जैसे डाली, दिल में उतर जाने दे। आजा बाहों में करके बहाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको वफा। ये YouTube रुक गया, चलिए ठीक है जी, थैंक यू। नहीं चलिए दूसरा गाना सुना दे, दूसरा गाना नहीं, अभी अभी बाद में देखते हैं। अच्छा अच्छा अब आवाज में कुछ फर्क पड़ा है? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है जी। तो मेरा तो ये ऑपरेशन हुआ था, आई एम नॉट 100%, तो ट्राई करता हूँ मैं, कुछ बीच में आ जाए तो इग्नोर कर दीजिएगा। म्यूजिक ठीक आ रहा है? हाँ म्यूजिक ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा कीजिए म्यूजिक। जाए प्यार न तुझको
याद रहे पतझड़ ही जाम था जिनका अब वो बहारें बीत गई हो तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई हो तेरे बिना यूं घड़ियां बीती। बातों बातों बातें चाहिए मुझे गाया मैंने वो आवाज नहीं उठाई जा रही थी मुझे गला मेरा खराब है। अस्सलाम वालेकुम जलील जलील अस्सलाम वालेकुम आप म्यूटेड हैं। वालेकुम सलाम सॉरी फॉर जॉइनिंग लेट। कैसे हाल हैं जी? अल्लाह का शुक्र जी बिल्कुल ठीक है। गुड गुड चलिए जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैं बस खैर खैरियत ही पूछा था और तो कुछ नहीं। अच्छा ये आपका नंबर आ ही गया। अच्छा जरा पास कर दें क्योंकि मैं तो अभी देख ही रहा हूँ कुछ। अच्छा चलिए खालिद इकबाल साहब आप अपने आप को म्यूट कीजिए और कुछ पेश कर सकें तो। कुछ अशार एक अवामी शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी जी पेश करता हूँ अगर इजाज़त है तो। इरशाद इरशाद। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी और मुफलिस सो गदा है सो वो भी आदमी सो है वो भी आदमी जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी जो खा रहा है सो है वो भी आदमी टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से ये मेरो माँ हक ने बनाए हैं काहे के ये मेरो माँ हक ने बनाए हैं काहे के वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे हम तो ना चांद समझे ना सूरज है जानते बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां। इसके बाद है दूसरा एक उनकी किसी और नज़म से गज़ल से कुछ इशारे हैं इस हवा में क्या क्या रुत बरसात की बहारें बूंदों की जम जमाहट कतरात की बहारें सब्जों की लह लहावट बागात की बहारें हर बात के तमाशे हर घाट की बहारें क्या क्या मिची है यारो बरसात की बहारें। बात किसी दूसरी उससे गजल से है दुनिया में लेके बाश लेके शाह से ए यार ता फकीर दुनिया में लेके शाह से ए यार ता फकीर खालिक ना मुफलसी में किसी को करे असीर खालिक ना मुफलसी में किसी को करे असीर अशराफ को बनाती है एक आम में फकीर क्या क्या है मुफलिस की खराबी कहूँ नज़ीर वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलसी कोरे कोरों को देख आलम में कोजे मिस्री के भर गए गम में यूं वो रस्ते हैं आपके गम में जैसे डूबे हों फूल शबनम में ना सुर्खी गुंचाए गुल में तेरे दहन की सी है ना सुर्खी गुंचाए गुल में तेरे दहन की सी ना यास्मिन में सफाई तेरे बदन की सी मैं क्यों ना फूलूं के इस गुलबदन के आने से मैं क्यों ना फूलूं के इस गुलबदन के आने से बाहर आज मेरे घर में है चमन की सी ये बर्फ अब्र में देखे से याद आती है ये बर्फ अब्र में देखे से याद आती है झलक किसी रुपट्टे में नोरतन की सी। ये शुक्रिया वाह बहुत बहुत। मैंने एक किताब है पेवेस्तरा शेर से
प्रोफेसर खालदा जोर ने तरतीब दी है, इसमें मुख्तलिफ शायरों का शोरा का के बारे में जिक्र है, तो उसमें से शेर पढ़े। तो अली आप कुछ पेश कीजिए फिर पर। मैं जी ये जगजीत सिंह की गजल है, ये पिछले हफ्ते भी मैंने शायद भी गाई थी, तो ट्राई इट। आवाज बताइए भाई। हंस के बोलो करो, बुलाया करो, हंस के बोलो करो, बुलाया करो, उसके बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आ जाया करो, आपका घर है आ जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो। मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना न भूल जाया करो, मुस्कुराना न भूल जाया करो, आपका घर है आया जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो। हद से बढ़कर हसीन लगते हो, हद से बढ़कर हसीन लगते हो, हद से बढ़कर हसीन लगते हो, झूठी कसमें जरूर खाया करो, झूठी कसमें जरूर खाया करो, आपका घर है आया जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो। गुड। तो अब अगर जलील साहब आप तैयार हैं जी, चलिए। आवाज आ रही थी, म्यूजिक थोड़ा सा हाई।
आप कह रहे थे म्यूजिक की आवाज ठीक नहीं आ रही है, थोड़ी सी ऊपर हाई करें म्यूजिक। म्यूजिक वॉल्यूम ओके। अब ठीक है। माइक की आवाज बताइएगा। आपने तो गीता 10 से अच्छा गाया।
वेरी नाइस, बहुत उम्दा। ये म्यूजिक शुरू हुआ तो मैंने कहा ये तो गीता दत्त का सॉन्ग है। अस्सलाम वालेकुम अतिया बहन, क्या हाल है जी? ठीक है, बस बिजी रहता है कुछ ना कुछ सारी देर। अच्छा, चलिए जी महमूद साहब अगर आप कुछ पेश करें। ठीक है, तो अभी इफ्तिखार हाई साहब ने वो सुनाई थी ना, और वो माजी में चले गए थे कि गुड़िया और वो उसकी क्या कहते हैं किश्ती की कहानी, तो मैं भी माजी में जाता हूँ। तो एक मुनव्वराना की नज्म है ये, तो वो कहते हैं अपने स्कूल के बारे में, स्कूल को याद कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे स्कूल मेरी यादों के पैकर सुन ले, मेरे स्कूल मेरी यादों के पैकर सुन ले, मैं तेरे वास्ते रोता हूँ बराबर सुन ले। और तेरे उस्तादों ने मेहनत से पढ़ाया है मुझे, तेरे उस्तादों ने मेहनत से पढ़ाया है मुझे, तेरी बेंचों ने भी, तेरे बेंचों ने ही इंसान बनाया है मुझे। और ना तराशीदा सा हीरा था तराशा तूने, ना तराशीदा सा हीरा था तराशा तूने, ज़हने तारीख को बख्शा है उजाला तूने। और इल्म की झील का तैराक बनाया है मुझे, इल्म की झील का तैराक बनाया है मुझे, खौफ को छीन के बेबाक बनाया है मुझे। और तुझसे शफकत भी मिली, तुझसे मोहब्बत भी मिली, तुझसे शफकत भी मिली, तुझसे मोहब्बत भी मिली, दौलत इल्म मिली, मुझको शराफत भी मिली। और शफकतें ऐसी मिली हैं मुझे उस्तादों की, शफकतें ऐसी मिली हैं मुझे उस्तादों की, परवरिश करता है हो जैसे कोई शहजादों की। और आखिरी शेर है, तेरी चाहत में मैं इस दर्जे भी खो जाता था, तेरी चाहत में मैं इस दर्जे भी खो जाता था, तेरी बेंचों पे ही कुछ देर को सो जाता था। शुक्रिया। बात को, बात को, वेरी नाइस, बहुत अच्छे महमूद साहब, बहुत अच्छे। शुक्रिया। जावेद एजाज साहब आप भी कुछ और सुनाएंगे। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सुनाना तुम तो कोशिश ही कर रहा हूँ, मैं तो जबरदस्ती कर रहा हूँ अपने साथ। जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई, जिंदगी की राह में हादसा वो पहली मुलाकात, क्या कहूँ कितनी अजब थी सूरत हालात, क्या कहूँ वो कहर वो गजब वो जफा मुझको याद है, वो उसकी बेरुखी की अदा मुझको याद है, मिटता नहीं है ज़हन पे
यूं छा गया कोई यूं जिंदगी की राह में, कतरा गया कोई यूं जिंदगी की राह में। पहले मुझे वो देख के बरहम सी हो गई, फिर अपने ही हसीन ख्यालों में खो गई। बेचारगी पे मेरी उसे रहम आ गया, शायद मेरे तड़पने का अंदाज भा गया। सांसों से भी करीब मेरे आ गया कोई जिंदगी की राह में, फिर उसने प्यार से मेरी बाहों को छू लिया। मंजिल ने जैसे शौक की राहों को छू लिया, एक दिल में ऐसी गया मत गुजर गई। रग रग में उसके हुस्न की खुशबू बिखर गई। जुल्फों को मेरे शान पे लहरा गया कोई जिंदगी की राह में, टकरा गया कोई जिंदगी की राह में। अब इस दिले तबाह हालत न पूछिए, बेनाम आरज़ूओं की लज़्ज़त न पूछिए। एक अजनबी था रूह का अरमान बन गया, एक हादसा था प्यार का उन्वान बन गया। मंजिल का रास्ता मुझे दिखला गया कोई जिंदगी की राह, टकरा गया कोई जिंदगी की राह। थैंक यू जी, थैंक यू। बात करो, बड़ी खूबसूरत गजल है। वाह, बहुत उम्दा। हाँ, बड़े अच्छे वर्डिंग, बहुत उम्दा अदायगी और बहुत अच्छी गजल। लेकिन मेरी वर्डिंग को थी वो उठा नहीं सक रहा था मैं, गला खराब है ना। 100% connected to iPhone 4. So, अतिया बहन, आप कुछ पेश कीजिए। कुछ तैयार थी, देखिए एक डुएट आज सुबह हम देख रहे थे। अच्छा, वो डुएट गा देते हैं। Let me just check that out. सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं जरा वॉल्यूम जरा इसका चेक करूं कितना लाउड तो नहीं है। बहुत ही आप तो सब बता दो वॉल्यूम कितना है। ठीक है, ठीक है।
बाय बाय। दिल की नजर से नजरों के दिल से ये बात क्या है ये राज क्या है कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा ये राग क्या है कोई हमें बता दे। दिल की नजर से नजरों के दिल से ये बात क्या है ये राज क्या है कोई हमें बता दे। दिल की नजर से म्यूजिक थोड़ा सा ऊंचा कीजिए। बहुत खूब बहुत ही जबरदस्त वो बहुत अच्छे। अत्या भाभी ये जिस दिन मुझे पता लग गया ना कि आप लोगों का एड्रेस क्या है तो मैं बिन बुलाए अब बिन बताए आपके घर आ जाऊंगा और आपकी सारी सेटिंग करके दूंगा। इतनी अच्छी आवाजें हैं इतना अच्छा आपके पास स्पीकर सिस्टम है इतनी अच्छी आपके पास माइक्रोफोन है
आप वो लगाते ही नहीं है भाई। देखो हमें शौक है मगर हम टेक्नोलॉजिकली जीरो है। आप जाएंगे तो बिरयानी भी मिलेगी तो फिर तो सभी आ जाएंगे और शालीमार के कबाब भी मिलेंगे। वेरी गुड, सभी भी आपका दिल चाह जाएगा। नहीं आपके पास वो जो बोस का स्पीकर सिस्टम इतना अच्छा है, आपके पास माइक्रोफोन भी है। आप अपने सेल फोन पे अगर आप बोर हो रहे हैं, यू कनेक्ट दिस टू दिस बोस, यू कैन टेक इट इन एनी रूम। मैं कभी बेडरूम में रखती हूँ, कभी लिविंग रूम में, कभी डाइनिंग रूम में, और आप इसके ऊपर अपना कोई सा भी गाना, जैसा आप सुन रहे हैं, कोई पसंद है आपको, किसी ने भेजा है अच्छा सा, मोहम्मद रफी का या अहमद रुशदी का, किसी का भी गाना आप इस पे प्ले करें, एंड इट कम्स विद अ ब्यूटीफुल स्पीकर्स एंड एवरीथिंग इसके अंदर से। बिल्कुल, आई जस्ट लव इट, बहुत ही काम की चीज है और इतना छोटा है, मैं कहीं पर भी लेके चली आ सकती हूँ। हाँ, और आपके पास माइक्रोफोन भी इतना अच्छा रखा हुआ है घर में। नहीं वो हम लोगों ने चला के देखा, वो काम नहीं कर रहा था सही। We have to get another one. I think वो इतना पुराना हो गया था, उसकी जो बैटरीज वगैरह थे ना निकाला, तो it was a very nice one, मगर अंदर से वो कुछ खराबी थी, तो फिर तो हम सब तो आने के लिए तैयार है, जब भी आप दावत करोगे हम आने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। अच्छा अगर फिर इजाजत हो तो मैं भी एक सुना दूं सॉन्ग। मैंने गाना तो नहीं था लेकिन मुझे एक पुराना तो गीता दत्त ने मोटिवेट कर दिया आपको। अबरे करम आज इतना बरस, इतना बरस के वो जा न सके। अबरे करम आज इतना बरस, इतना बरस के वो जा न सके। डर आया है एक मेहमान हसी, डर है के चला ना जाए कहीं, हम दिल की बात सुना न सके। है अबरे करम आज इतना बरस के वो जा न सके। है अबरे करम, ऐ अबरे करम। किस्मत से किसी को मिलती है, वाओ, ये नहीं चलेगा सॉरी। ये मैं एक्चुअली लैपटॉप में कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरे लैपटॉप में नहीं, मेरा जो वो है। ठीक है चलिए जी, म्यूजिक के भी सुना दीजिए। हाँ लेकिन वो बंद हो रहा है बीच में। अच्छा। वहां मैं अपने टैबलेट से चला रहा हूँ इसको। चलिए जलील भाई आपकी फिर से एक और हो जाए। चलो जी, आज फीमेल गानों का दिन है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी गीता दत्त का है? नहीं गीता दत्त का नहीं है, लता का। रंगीले कैसा जादू किया, रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतों वाला जिया। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया
किया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया। और थी तो तूने यो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया, नहीं है नजारे नहीं है इशारे नहीं मैं वो कल वाली दुनिया। पास बुला के कैसे लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया, नहीं है नजारे नहीं है इशारे नहीं मैं वो कल वाली दुनिया। सपने दिखा के ये क्या किया और किया, ओ तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। मचाने लगी मन में कैसे लहराए नदिया का पानी, लहर उठे रे मेरे तन में। ओ मेरे साजन कैसी ये धड़कन, शोर मचाने लगी मन में कैसे लहराए नदिया का पानी, लहर उठी रे मेरे तन में। मुझने समा के ये क्या किया और पिया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के ये क्या किया और पिया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तो सबके शायद दो दो राउंड हो गए, किसी ने भी, अब ओपन टाइम है, जिसने भी गाना हो या कुछ पेश करना हो तो बताइए। मैंने कहा वो आपने एक आइडिया फ्लोट किया था ना कि चांदनी में करने के लिए, तो ये सब लोग बैठे हैं, शायद इनसे आप मशवरा कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट अगर चांदनी खुल गया हो तो जुलाई 11th इज सेकंड संडे, तो उस पर वहाँ कर सकते हैं। अभी वैसे तो हमने सिस्टम बहुत दिनों से चेक नहीं किया, तो वहाँ जाके चेक करना पड़ेगा, 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट। तो आप बताइए कि वहाँ ठीक रहेगा जैसे हम पहले करते थे? टाइम क्या रखेंगे आप? वही सेम टाइम होगा, 3 से 5। वो तो सूट नहीं करता, मुझे तो सूट नहीं करता वो। जी जी, शाम का टाइम ठीक रहता है वो तो। अच्छा, तो फिर वो फ्राइडे इवनिंग रख सकते हैं। आप फ्राइडे इवनिंग देख लें फिर, क्योंकि शाम के वो तो बेहतर है, संडे का टाइम तो वो उसमें अवेलेबिलिटी का ज्यादा शायद रहेगा, मुमकिन है, क्योंकि फ्राइडे इवनिंग वो काफी, फ्राइडे और सैटरडे इवनिंग वाला तो हाँ, वो वही, इसीलिए हमने लास्ट टाइम जो है हमने नहीं कर सके थे, इसीलिए वहाँ वो बड़ा हॉल भी उसका बिजी होता है, वो छोटा हॉल भी बिजी होता है, और वो जो रेस्टोरेंट के साथ है उस पे वो सिंग म्यूजिक नहीं करने देंगे। मैं देखता हूँ, लेकिन आई मीन जनरली तो हमारा आफ्टरनून में ही होता था संडे को, तो और कौन कौन को संडे की किस को इश्यू है? या जलील, आप ठीक है? महमूद साहब जी ठीक है बिल्कुल। इफ्तिखार भाई और खालिद इकबाल साहब जी, हाँ मैं ठीक है। ठीक है, चलें, मैं चेक करूंगा।
मैं चेक करूंगा जब वो ये जून 15 के बाद मैं चेक करूंगा कि वो उनकी क्या पॉलिसी क्या है और क्या कर सकते हैं वहां। तो नो प्रॉब्लम। चलिए तो फिर जिसने इट्स ओपन नाउ टाइम, तो अगर आपने कुछ पढ़ना हो कुछ गाना हो तो बताइए कौन पहले। मुझे तो इजाजत दीजिए कंपनी का मैं। आपका वो सिस्टम बराबर काम नहीं कर रहा और यू आप आधा पढ़ के रुक गए थे, मैं चाहता हूँ आप भी सुना दे। नहीं वो नहीं चलेगा अभी, अभी ठीक है, मैं ठीक हूँ उसे, मैंने गा लिया। और किसने दीजिए सर क्योंकि कुछ मेहमान आए हुए हैं। अच्छा महमूद साहब आप कुछ करेंगे पढ़ेंगे? नहीं मैं भी नहीं सर। जलील मुझे ढूंढना पड़ेगा जरा, अगर आप गप शप दो मिनट लगाए तो मैं ढूंढता हूँ। इफ्तिखार भाई और रबतिया बहन, खालिद इकबाल साहब आप भी कुछ पेश कर सकते हैं? एक गजल मैं पेश करता हूँ। मैं जावेद भाई जी नहीं, मैं तो पहले ही जबरदस्ती कर बैठा हूँ, दोनों मेरी आवाज ही नहीं मेरी निकल रही थी, वो गला क्योंकि ऑपरेशन के बाद अभी तक गला ठीक नहीं हुआ मेरा। अच्छा वली साहब आप पढ़िए कुछ। किन से बात कर रहे हैं? आपसे मैंने बात की खाली साहब, आपने कहा ना आपके पास कुछ है। अच्छा रखता नहीं किसी से वो लपटी लगी बहुत, रखता नहीं किसी से वो लपटी लगी बहुत, इस बेवफा की बात ये अच्छी लगी बहुत, इस बेवफा की बात ये अच्छी लगी बहुत। एक मुख्तसर सा जिक्र मेरा गुफ्तगू में था, एक मुख्तसर सा जिक्र मेरा गुफ्तगू में था, यारों को मेरे नाम की तलखी लगी बहुत। ये जिंदगी अताए खुदाए करीम है, जैसी भी ये मिली मुझे अच्छी लगी बहुत। दरिया के साथ साथ थी दरिया इसी पे था, पानी की वो जमीन भी तरसी लगी बहुत। आई थी उसके पास से छूती हुई उसे, सांसें झूली हवा में तो मस्ती लगी बहुत। एक आईना भी रख लो तुम अपनी दुकान पर, तुमको मेरी ये बात बुरी लगी बहुत। नाकाम हसरतें भी ये कहकर निकल गईं, बस जाम मेरी हो चुकी दिल की लगी बहुत। इतना कहा था उसने कि मैं कुछ बुरा नहीं, इतना कहा था उसने कि मैं कुछ बुरा नहीं, इस शख्स की ये बात भी सच्ची लगी बहुत। कम इस कदर थी मैं कि मैं चुल्लू से पी गया, कम इस कदर थी मैं कि मैं चुल्लू से पी गया, इस मुफलिसी में मुझको तो वो भी लगी बहुत। रौनक थी बज़्म यार में अकबर की जात से, महफिल में हर जगह कमी इसकी लगी बहुत। शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, शुक्रिया। तो जलील आपने ढूंढ लिया? जी जी, शुरू कीजिए फिर, सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आंख तुम्ही से जाग हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में
नादान, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखे जमीन पर, सीने में क्यों खुदकार हुई, हाथ कली एक पाप में आई और गले का हार हुई। काली घटा का बसेरा, अवली सूरत मोहनी मूरत, सावन दूत का सवेरा, आंखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, अवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, फिर यूं ही देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना, एक नई कई बार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। जब हम नींद से जागे, आंख तुम ही से चार हुई, हाथ कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। बस खूब, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। सहार भाई, आप कुछ पेश करना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिए। क्या? अच्छा, मैं एक शादी में शिकागो जा रहा हूँ, तो वहां पर एक साहब है जो मुझे खास करके ख्वाहिश कर रहे हैं कि भाई सैगल का कोई गाना प्रिपेयर करके आओ, सैगल का। अच्छा, तो मैं जरा आपके सामने थोड़ा प्रैक्टिस दिखा रहा हूँ। ठीक है। ए दिल बेकरार जूं, ए दिल बेकरार जूं, ए दिल बेकरार जूं, ए दिल बेकरार जूं, पूरे बहार छा गया, दौरे खिजा चला गया, इश्क मुराद पा गया, उसने की मच रही है धूम, ऐ दिल बेकरार जूं, छिपकी हुई है चांदनी, मस्ती में है कली कली, छिपकी हुई है चांदनी,
हस्ती में है कली कली झूम रही है जिंदगी, तू भी हजार बार झूम ऐ दिल बेकरार झूम, ऐ दिल बेकरार झूम, ऐ दिल बेकरार झूम। तारे हैं माहताब है हुस्न है और शबाब है, जिंदगी कामयाब है आरज़ुओं का है हुजूम, ए दिल बेकरार झूम, ए दिल बेकरार झूम। ये आखिरी शेर बड़ा अच्छा है, तेरा नशा तेरा खुमार, तेरा नशा तेरा खुमार, अब है बहार ही बहार, पी के खुशी में बार बार पिए जागार बार झूम, ऐ दिल बेकरार झूम, ऐ दिल बेकरार झूम, ऐ दिल। थैंक यू, बहुत खूब, आपकी आवाज बहुत सी साइकिल से सही रहता है। नहीं हाँ। मुझे पता है किसका मैं शौक है, आपके वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट है ना बड़ा फेमस, वो मतलब चांदनी का गाना गाया है वो, है ना अभी वली मोहम्मद, हाँ वो आई मीन ही इज माय फेवरेट रियली। हाँ वो अच्छा, नहीं मैं थैंक यू वेरी मच, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था जाने के लिए, अच्छा कहते हैं वो उसके साथ में म्यूजिक भी है, तो मैं म्यूजिक के बगैर गा लिया ये। अच्छा लगेगा। चलिए जी, अगर और कुछ नहीं है तो ये प्रोग्राम खत्म करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। और हम फिर मैं ईमेल भेजूंगा अगर कुछ सेट हुआ चांदनी का, पहले तो उनसे मैं 15 तारीख के बाद पूछूंगा तो उसके बाद पता चलेगा। चलिए जी, सबको खुदा हाफिज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मगर मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं 2 दिन पहले मैं वहां पर था, क्या बोलते हैं हमारे मैंने चांदनी से आ गया और एक रॉयल पैलेस, अच्छा वहां किसी का निकाह पढ़ाए थे हमारे साहब लोग, तो उसके बाद मैं गाने वाने की पार्टी भी थी, क्योंकि जो पाकिस्तानी लड़का था और लड़की थी अफगानी, तो उनके बाद इतना अच्छा सिस्टम था वहां पर, इतना अच्छा था, तो खूब धमाल किया वहां पर, गाने वाने बजा के भी सब, डांस वांस भी हुआ था सब। तो मैं कह रहा था चांदनी अगर नहीं खुला ना तो यू कैन गिव अ कॉल टू देम आल्सो। मुझे पता है वो पूरे डिनर के बगैर हॉल नहीं देते। अच्छा अच्छा, आई डिडंट नो दैट। अच्छा हां, I didn't know that. और उनके प्राइसेस बड़ी हाई हैं डिनर की। अच्छा, हमने एक बार प्रोग्राम किया है वहां पर, पर्सनल प्रोग्राम था। अच्छा अच्छा, लेकिन उनके हॉल मुझे पता है 2 हॉल हैं, और एक बड़ा हॉल है एक छोटा हॉल है। छोटे हॉल में किया था। अच्छा अच्छा, चलिए जी, शुक्रिया। आप बहुत शुक्रिया।